हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस को पूछे जाने वाली पॉसिबिलिटीज होती हैं इन नीट या जेई एडवांस या मेंस, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर रहती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कभी ना कभी इस तरह के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मेन कंटेंट्स को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे मैंने अभी कहा, मैं सिर्फ आज पांच न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूं और पांचों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या आपके AIPMT, नीट या जेई मेंस में पूछी जा चुकी हैं, तो आज मैं उन्हीं को ही डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो आई होप आज के लेक्चर के बाद आप डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यू विल डेफिनेटली अटेम्प्ट दोज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, एडिट और सब्ट्रैक्टेड। मैसेज वेरी क्लियर। कहने का मतलब है अगर हम डायमेंशनली बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज एडेड इन फोर्स। फोर्स को हम फोर्स में ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में हम कभी वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसको अलाउ नहीं करता। ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दैट इट इज यूज टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, तो उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वाज दैट दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट इन अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज का टॉपिक डायमेंशंस कांस्टेंट पे रहेगा कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में जो डायमेंशंस कांस्टेंट होते हैं उनको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर वन, आपके स्क्रीन पे है, एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन वन पे गौर कीजिए और इक्वेशंस को रीड आउट कीजिए। फिर एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। जो आपके पास इक्वेशन है, इट मीन्स जो इनके लेटर हैं, दे हैव द स्टैंडर्ड मीनिंग। एफ मीन्स फोर्स, टी मीन टाइम एंड ए वी आर हेयर कॉन्स्टेंट, जिनके आपको डायमेंशंस निकालने हैं। कैसे इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इक्वेशन है उनको सभी को हम एक तरफ ले आएंगे। एफ माइनस ए टी माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो। जब भी आपके पास डायमेंशंस को निकालने की इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सभी को इक्वल टू जीरो इक्वेशन में लेके आना है, राइट। जिस जैसे इस तरह से किया, एफ माइनस जब ए टी इस तरफ है, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस ए टी हो गया, बी टी स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो माइनस बी टी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, जितने भी फैक्टर हैं उनको एक तरफ लेके आना है ताकि इक्वेशन इक्वल टू जीरो स्टेट में रहे, राइट। इस चीज का ध्यान रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपसे क्वेश्चन मैंने इस दो पार्ट्स में, आप देख रहे हैं स्क्रीन को, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसमें डायमेंशन ऑफ ए, और जो बी राइट साइड का जो पार्ट है उसमें डायमेंशन ऑफ बी हम इवेल्युएट करेंगे। जो डायमेंशन ऑफ ए,
जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज बिल्कुल क्लियर मैसेज करती है कि सिमिलर क्वांटिटी आर एडिड सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। अब आपसे पूछा गया था डायमेंशंस ऑफ ए, क्योंकि सबसे पहले हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ ए। आप इक्वेशन पे गौर कीजिए, एफ माइनस ए टी मीन्स हमने यहां से कंपेयर करना है डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। जो डायमेंशन मीन्स ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ए टी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एफ, तो इट मीन्स ए टी और एफ दे आर बोथ आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड देन नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू ए टी, राइट। अब यहां से हमने ए को निकालना है, तो ए को एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया एफ ओवर ए टी। ओके, तो सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आपको ए निकालना, तो ए को एक तरफ, बाकी जितने भी आपके पास जो पैरामीटर्स हैं उनको दूसरी तरफ, राइट। इसके बाद इसको आपको डायमेंशन, जो इनके डायमेंशनल फार्मूला है उनको नोट डाउन कर लीजिए कि यू नो दैट डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स एम एल टी माइनस टू, एंड डिनोमिनेटर में नीचे है टी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम दैट इज टी। फॉर सिमिलरिटी के सिमेट्री के लिए हम एम जीरो एल जीरो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज टी। एज यूजली हम इसको वन लिखते नहीं है, टी की पावर वन है, एज यूजली हम इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, अब इसके बाद इसको सिंपली हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, बेस आर सेम क्योंकि डिवाइड हुआ है। जब पावर यहां से जीरो से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो वन माइनस जीरो दैट इज वन, एल की पावर यहां वन है यहां जीरो है, तो एल माइनस जीरो दैट इज वन, टी माइनस टू है नीचे टी वन है, जब वन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टी माइनस टू माइनस थ्री, तो टी की पावर माइनस थ्री। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डायमेंशंस फॉर ए। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी। अब डायमेंशन ऑफ बी पे फिर हम इक्वेशन पे गौर कीजिए, क्योंकि दिस फैक्टर आपका वी जो है यहाँ पे है वी टी स्क्वेयर, इट मीन्स ये जो फैक्टर वी टी स्क्वेयर है इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद द फोर्स, क्योंकि फोर्स हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ बी टी स्क्वेयर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है सिमिलर क्वांटिटी आर बीइंग एडिड। तो इट मीन्स वी टी स्क्वेयर जब फोर्स में एड या सब्ट्रैक्ट किया है तो इट मीन्स बी टी स्क्वेयर के भी वही डायमेंशन होंगे जो डायमेंशन ऑफ एफ है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे इस तरह से किया, डायमेंशन ऑफ एफ बराबर है डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वेयर। इसके बाद हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वेयर, क्योंकि अब टारगेट हमारा वी निकालना, तो वी को एक तरफ रखेंगे, विच इंप्लाइज दैट एफ ओवर टी स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास, पुट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड देन टाइम एंड देन वी हैव टू इवैल्यूएट। ओके, वही हम करने जा रहे हैं अब, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड टाइम का लिए टी है और बाहर पावर टू है। अब इसके बाद हम एम एल टी माइनस टू को हमने एज इट इज रख दिया, अब यहाँ पे पावर टू है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो अंदर पावर को मल्टीप्लाई होगा, तो एम जीरो इंटू टू जीरो, एम एल जीरो मीन एल की पावर जीरो इंटू टू दैट इज अगेन जीरो, यहाँ टी की पावर वन है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आंसर आएगा टू। ओके, तो दिस इज टू। अब इसके बाद फर्दर इक्वेट करेंगे एम वन, क्योंकि एम जीरो एल जीरो एबसेंट है, एल वन टी माइनस टू है, जब टू ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी की पावर टू है प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो टी माइनस टू दैट इज माइनस फोर। तो दीज आर द डायमेंशंस फॉर ए एंड बी। बहुत आसान और इजी टू प्रोसेस।
चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन वैन डर वाल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और मोस्टली इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैन डर वाल इक्वेशन व्हेन आप गैसेस की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल्स हैं दे हैव स्टैंडर्ड मीनिंग। जो आपके पास इक्वेशन है ब्रैकेट में पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में कैपिटल वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी एंड आल्सो बी ओवर स्लैश ए बी ओवर ए। तो तीन टारगेट आपके पास यहाँ लॉक किए गए हैं। अब सबसे पहले जो आपके जो वैन डर वाल इक्वेशन है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वैन डर वाल इक्वेशन में जो लेटर हैं उनका मीन क्या है। हेयर पी स्टैंड फॉर प्रेशर एज यूजल मीनिंग है उनके, वी इज दैट इज वॉल्यूम, हेयर नॉट वेलोसिटी दैट इज अ वॉल्यूम, एंड आर इज गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम सॉरी टेम्परेचर, टी इज अ नॉट टाइम दैट इज अ टेम्परेचर। आई एम रिपीटिंग अगेन, इन वैन डर वाल इक्वेशन पी स्टैंड फॉर प्रेशर, कैपिटल वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, आर स्टैंड फॉर गैस कॉन्स्टेंट एंड कैपिटल टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, और ए और बी आर कॉन्स्टेंट जिनके हमने डायमेंशन निकालने हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जैसे मैंने प्रीवियस आर्टिकल में प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने अटेम्प्ट किया, सेम स्टेप वैसे ही रहेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि इन को इक्वलेंट टू जीरो अप्लाई पुट करना है, जो इक्वेशन को है हमने इस ढंग से रिप्रेजेंट करना है ताकि इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो आर टी आपके पास इस तरफ था इसको हमने इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस में हो गया और ये इक्वेशन इक्वलेंट टू जीरो हमने नोट डाउन कर ली। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव हैं, डायमेंशन ऑफ ए बी एंड बी ओवर ए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन में डायमेंशन ऑफ ए, पार्ट सेकंड में डायमेंशन ऑफ बी और पार्ट थर्ड में डायमेंशन ऑफ बी ओवर ए। डायमेंशन ऑफ ए वन बाई वन, आप देख पा रहे हैं कि ए वेयर इज देयर, ये जो आपके पास फैक्टर है यहां पे ए है, ए इज कॉन्स्टेंट। अब यहां पे देख पा रहे हैं आप ए ओवर वी स्क्वायर, इट मींस ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ए ओवर बी स्क्वायर एडेड इन पी, इसको किस में ऐड किया है, पी में। तो इट मीन पी और ए ओवर वी स्क्वायर सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यह कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी वी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड या कंपेयर्ड। तो इट मींस ए ओवर वी स्क्वायर को ऐड किया गया है प्रेशर में, तो हम इसको इट मींस दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन डायमेंशन ऑफ पी बराबर है डायमेंशन ऑफ ए ओवर वी स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सिंपली टी इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर, क्योंकि आपका टारगेट है ए निकालना, तो वेरी इजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर। अब इसके बाद आपको डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई करने हैं एंड देन यू क्रिएट द इक्वेशन, वही हमने किया। डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर, यू नो दैट एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर, एंड जो वॉल्यूम के लिए होता है दैट इज अ एल क्यूब, बाकी एम और टी इसमें एब्सेंट हैं जो हमने वाई सिमेट्री के लिए पावर्स जीरो से एक्सप्रेस कर दी है, बाहर पावर टू है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट पे ऊपर फोकस करेंगे, राइट, क्योंकि पावर टू है, अंदर वन बाई वन मल्टीप्लाई करेंगे, टू से पहले मल्टीप्लाई जीरो से, फिर टू से मल्टीप्लाई थ्री से, टू से देन जीरो से। फर्स्ट फैक्टर को हम एज यूजल ही रख लेंगे, देन जो सेकेंड है दैट इज जीरो और टी जीरो है, देन थ्री इंटू टू दैट इज ए सिक्स। नेक्स्ट स्टेप में फिर इक्वेट करेंगे क्योंकि बेस आर सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे जीरो है, राइट, तो जीरो प्लस वन दैट इज वन,
ओके, यहाँ पावर माइनस वन है एल में और यहाँ पावर सिक्स है, राइट। तो सिक्स और माइनस वन दैट इज प्लस के फाइव, यहाँ पावर माइनस टू है, यहाँ पावर जीरो है, तो माइनस टू प्लस जीरो दैट इज माइनस टू। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बी। अब फिर इक्वेशन पे गौर कीजिए और बी कांस्टेंट को देखिए, बी कांस्टेंट इज देयर, तो बी कांस्टेंट आपका इस फैक्टर में कैपिटल वी माइनस बी, इट मींस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल वी, वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट किया है, तो इट मींस वी भी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, दैट इज ऑल्सो वॉल्यूम। तो वही हमने, तो वी डायमेंशन ऑफ वी बराबर है डायमेंशन ऑफ वी, तो v इज इक्वल टू वी विच इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू वी। अब इसके बाद हम इसके डायमेंशनल फार्मूला फॉर v, जो डायमेंशनल फार्मूला फॉर v क्या रहता है, वॉल्यूम का क्यूब मीन l का क्यूब, जो लास्ट टारगेट है दैट इज द डायमेंशन ऑफ b ओवर a, क्योंकि अब हमने a के डायमेंशन भी निकाल दिए हैं, b के भी कैलकुलेट कर लिए हैं, अब डायरेक्टली यहाँ पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं b ओवर a। तो डायमेंशन फॉर v यहां से हमने नोट ऑन कर लिए और a के हमने यहां से, ओके। तो इनको अब m जीरो ऊपर परसेंट है, जब यहां नीचे से m जाएगा क्योंकि एक पावर इज वन, तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, राइट। यहां पे पावर थ्री है और यहां पे फाइव है, नीचे फाइव सॉरी फाइव ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव मीन्स माइनस टू, यहां जीरो है और जब माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, तो ओके। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हियर इज वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी ओवर टी प्लस सी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी इस इक्वेशन में कांस्टेंट हैं और वी मीन वेलोसिटी, टी मीन टाइम। तो इसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा। तो वही हमने किया, वी फैक्टर और बी ओवर टी प्लस सी को इस तरफ ले आए हम, तो माइनस ए टी माइनस बी ओवर टी प्लस सी इजिकल टू जीरो, सबसे पहला टारगेट हमारा। उसके बाद क्योंकि डायमेंशन ऑफ ए बी सी, तो इट मीन्स तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट में डायमेंशन ऑफ ए, सेकेंड में डायमेंशन ऑफ बी एंड थर्ड डायमेंशन ऑफ सी। अब डायमेंशन ऑफ ए, आप इक्वेशन पे गौर कीजिए, इट मीन्स आप यहाँ पे इस फैक्टर को देखिए, वी माइनस ए टी, तो इट मीन इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वी बराबर है डायमेंशन ऑफ ए टी, फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ से वी इजिकल टू ए टी। अब इसके बाद हम टारगेट रहेगा टू फाइंड ए, विच इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी ओवर टी। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि आपने दो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर ली, तो आप मेरे साथ रिपीट करते रहिए। इसके बाद क्या होगा, वी हैव टू पुट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वी एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर टी, और आपका क्वेश्चन हो चुका है। वही हमने किया, डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी दैट इज एम जीरो एल टी माइनस वन, और टाइम का दैट इज टी, जब टी माइनस वन ऊपर है और नीचे टी वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस टू हो जाएगा, तो दैट इज अ एम जीरो एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कॉन्स्टेंट ए। तो सेकेंड पार्ट डायमेंशन ऑफ बी, अब फिर इक्वेशन पे गौर कीजिए, बी आपका कहाँ है, आप यहां पे गौर कीजिए, दैट इज बी ओवर टी प्लस सी, इट मींस बी को किसके साथ डिवाइड किया गया है, यहां पे डिवाइड बाय टी प्लस सी, राइट। तो यहां से आपको इस इक्वेशन को डायमेंशन ऑफ और इसको पूरे को फैक्टर को ऐड इन बी,
ओके, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी बराबर है बी ओवर टी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आपको इस पर गौर दीजिए, गौर कीजिए क्या प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हैं इस केस में। तो b इज इक्वल टू वी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसको ब्रैकेट में अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्योंकि v को इस होल द फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो t प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप करते हैं अलजेब्रा में, b इज इक्वल टू बी टी प्लस बी, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, बी टी से पहले टी से मल्टीप्लाई फिर सी से, तो बी टी प्लस बी सी। अब दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम विद दैट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे आपको डायमेंशन ऑफ बी निकालना है, परंतु यहाँ पे अनदर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है दैट इज सी, हाउ वी कैन। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि आपके पास से नई इक्वेशन बन गई बी इज इक्वल टू बी टी प्लस बी सी, बाकी आप इसके ऊपर क्या हुआ उसको भूल जाइए, अब इसको स्किप कर जाइए, जो भी इसके ऊपर हुआ इसको स्किप कर जाइए, राइट। अब आपके पास जो इक्वेशन आई दैट इज बी इज इक्वल टू बी टी प्लस बी सी, अब इस इक्वेशन में होमोजेनिटी इक्वेशन क्या कहती है, इट मीन्स क्योंकि आपको बी क्या है, तो बी टी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बी के साथ, क्योंकि इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू बी माइनस बी टी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। इट मीन सेम फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड किया जाता, आपस में ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है या कंपेयर किया जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो इट मीन्स अब यहां से हम इस फैक्टर को उठा लेंगे, तो बी इज इक्वल टू वी टी, जो मैंने अंडरलाइन किया था वही हमने किया है। एंड देन नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला फॉर वी, एम जीरो एल टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है और टाइम का दैट इज टी, इसके बाद इसको इक्वेट कर लीजिए आपके पास डायमेंशनल फार्मूला फॉर बी। एंड द सिमिलर मैनर डायमेंशन ऑफ सी, सी के डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, तो c इज इक्वल टू किसके बराबर है, t के बराबर है, c इज इक्वल टू t के बराबर, ओके। अब c t के बराबर कैसे हुआ, फिर आपकी क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्योंकि यहां पे जो आपके सॉल्यूशन जहां पे आपके पास नंबर वन फर्स्ट इक्वेशन है यहां पे गौर कीजिए t प्लस सी, राइट। इट मीन्स इस इक्वेशन में जो आपके पास t प्लस सी है, तो इट मीन्स सी और टी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तभी सी को ऐड किया गया टी में, तो इट मीन्स टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, सी। तो डायमेंशन ऑफ सी बराबर है डायमेंशन ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट एक्स टी, क्योंकि हर जो x है दैट इज द पोजिशन, डिस्टेंस है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू वी नॉट ओवर a, ब्रैकेट में है वन माइनस ई माइनस ए टी, वी नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड a इज ग्रेटर देन जीरो, फाइंड डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड a। क्योंकि मैंने ये आज के सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को आपके साथ साझा करूं, ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में किस तरह की डिफिकल्टीज फेस हो सकती है और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो यू शुड बी फेमिलियर विद ईच टेक्निकल प्रॉब्लम्स। द टेक्निकल प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज दैट हियर इज इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शन दैट इज कॉल्ड एक्सपोटेंशियल फंक्शन। यहाँ पे किस चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ इस क्वेश्चन में, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोटेंशियल फंक्शन, एक्सपोटेंशियल फंक्शन ई e की पावर माइनस ए टी, राइट, दिस इज एक्सपोटेंशियल फंक्शन। चलिए अब कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल से। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, वो हमने कर लिया जैसे एज यूजुअल हम करते आए,
ओके तो इस पार्ट को हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए में कैपिटल ए के डायमेंशन निकालेंगे और पार्ट बी में वी नॉट के। अब जब कैपिटल ए के डायमेंशन आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा हियर इज द प्रॉब्लम विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एज वी नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज नो डायमेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज नो डायमेंशन मीन ई पावर समथिंग इज डायमेंशनलेस, हैव नो डायमेंशन, राइट। तो इट मींस अब सबसे पहले e की पावर माइनस ए टी हैव नो डायमेंशन मीन्स एम जीरो एल जीरो टी जीरो दैट इज इक्वल टू वन। जो स्टेटमेंट कह रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, डायमेंशनल स्टेटमेंट कहती है कि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज नो डायमेंशन, उस इक्वेशन को हमने नोट डाउन या एक्सप्रेस कर लिया। अब नाउ डायमेंशन ऑफ वन बराबर है डायमेंशन ऑफ माइनस ए टी, क्योंकि वन को किसके साथ कंपेयर किया, माइनस ए टी जो हमारा आज का टारगेट है इस आर्टिकल में, डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए, वन बराबर है ए माइनस ए टी, तो आपका यहां से ए क्या जाएगा माइनस वन ओवर ए टी, और हियर टी इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए। अब नेक्स्ट टारगेट है आपका डायमेंशन ऑफ वी नॉट, तो वी नॉट आप देखिएगा यहां पे कंपेयर किसके साथ हुआ है, एक्स टी, एक्स मीन्स पोजिशन और वी नॉट ओवर ए, इन दोनों का आपस में कंपेरिजन है, तो इट मीन्स वी नॉट ओवर ए इज इक्वल टू एक्स, ओके। हियर टाइम इज नॉट, हियर टाइम मीन पोजिशन वेरिएशन पोजिशन विद टाइम, एंड देन वी नॉट ओवर ए दैट इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से आपके पास वी नॉट आ जाएगा और ए के डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर लिए हैं प्रीवियस पार्ट में, तो आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो यू विल गेट डायमेंशन ऑफ वी नॉट, ओके। तो हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हियर इज द सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, यू शुड नो दैट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो डायमेंशन, बाकी वो सिमिलर प्रोसीजर है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आप इस क्वेश्चन को देखिए, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस वन ओवर सी प्लस डी एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड डी, ओके। तो सबसे पहले टारगेट क्या है मेरा, इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करना है, राइट। वही हमने कर लिया, सारे के सारे फैक्टर हमने एक तरफ ले आए, तो इस तरफ रहा आपका जीरो। अब इसके बाद अब देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कहा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बाकी सिमिलर स्टेप्स हैं। तो इस पार्ट क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायमेंशन ऑफ ए कैपिटल ए एंड डायमेंशन ऑफ स्मॉल डी। व्हाट इज द टेक्निकल प्रॉब्लम, आप ग्रीन टेक्स्ट में देख पा रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज डायमेंशनल लेस। कहने का मतलब है जितने भी साइन फंक्शन हैं आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। आप इस पॉइंट को नोट ऑन कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप नोट ऑन पॉइंट्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर डायमेंशनलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट। अब इसके बाद क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए। आप एफ को और इस फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एफ में क्या चीज सब्सट्रैक्ट हुई है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इट मींस एफ इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे मैंने अभी इलस्ट्रेट किया आपको, जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस, तो दैट हैव द वैल्यू वन, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एफ बराबर है ए, ओके। एंड देन यू नो दैट डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स एम एल टी माइनस टू,
बहुत आसान, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पार्ट में इन डायमेंशन ऑफ डी, आप इक्वेशन पे गौर कर लीजिए पहले। अब डायमेंशन ऑफ डी कैलकुलेट करना है तो डी पे आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, डी कहाँ पे है और इस क्वेश्चन को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/c + dx, जैसे मैंने पहले कहा था डी के ऊपर फोकस कीजिए कहाँ पे है, तो दैट इज इन दिस फैक्टर 1/c + dx। तो इसको किसके साथ कंपेयर हुआ, कहाँ किसमें ऐड इसका एडिशन, इस फैक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ है, इन फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू 1/c + dx एंड देन सिमिलर मैनर में जिस तरह का हमने प्रीवियस आर्टिकल अटेम्प्ट किया, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c + dx इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि इसके बाद आपका टारगेट है डायमेंशन ऑफ f। आपके पास अभी यहां से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू 1/xf। यहां पे मैंने c को क्यों छोड़ दिया, आप हर चीज में देख रहे हैं, यहां पे c को हमने क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि वी नो दैट जो फिजिकल क्वांटिटी c एड इन dx वो था द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस c कैन बी कंपेयर्ड विद द dx। तो इट मींस c हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ dx, या dx और c बोथ आर द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, और उन दोनों का कंपैरिजन किसके साथ है, विद 1/f के साथ है, राइट। इसका कंपैरिजन किसके साथ है, दैट इज 1/f। तो आपको किस सिर्फ उन्हीं केसन के ऊपर फोकस करना जो आपको इवेल्युएट करने हैं। हमारा टारगेट है एक्स डी निकालना, तो हमने यहां से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, तो डी बराबर है 1/xf। ओके, अब यू नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्स दैट इज एल एंड फोर्स का mLt-2। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इक्वेट करेंगे, फिर इनकी पावर इन्वर्ट हो जाएगी, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डी। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ पे आज के टॉपिक में मैंने 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस की। हर प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, और मैंने उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी, किस तरह के, कितनी आसान टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आज इस पार्ट में पुट ऑन किए हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और आज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डायमेंशनल जो होमोजेनिटी है, उस प्रिंसिपल से हम कैसे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप